और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि कितनी जल्दी मैं घर पे जाऊँ और अपना खुद का घर देखूँ। इसको ढकना है पूरा। हाँ हाँ, जैसे है बंद। हाँ, इसे ढकना है। अगर लोहे की परत लगाते हैं आप लोग फिर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आ चुके हैं कानपुर में, अभी जा रहे थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए। हमारी प्यारी सी स्कूटी भैया निकाल रहे घर से बाहर, और आज पापा जी को यहाँ से लेकर के चलना है और वहाँ पे सारा कुछ सामान वगैरह जोड़ करके दिखाना है कि कैसा क्या, कैसे कैसे दीवार उठेगी और कितना खर्च लगेगा और सारा कुछ, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि पापा जी मिस्त्री है और बचपन से मैं यहाँ आता रहता हूँ। अच्छा रिश्ता बना हुआ है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और भैया जो हमारे बड़े भाई के समान है, तो उनका मैं सम्मान भी करता हूँ क्योंकि जीवन में वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे भी। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे अभी कानपुर में हमने व्लॉग को स्टार्ट किया था, तो भैया जी के पापा जी भी साथ में अभी आए हैं और अभी होटल में ही रुकना पड़ रहा है क्योंकि भैया आ रहे बस से, और घर की चाबी उन्हीं के पास में था, वो चाबी भूल गए थे, फिर रिटर्न गए वापस लाने के लिए। तब तक के लिए हम सोच रहे हैं कि इस होटल में थोड़ा चाय नाश्ता कर ले और पानी वानी पी ले, ठंडा ले, क्योंकि घर की चाबी है नहीं तो घर में डायरेक्ट चले जाते हैं हम अंदर, ऐसा सीन है। इसलिए होटल में आना पड़ा। अभी कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे जब तक भैया वापस आएंगे, फ़ोन करेंगे, फिर शाम में जैसा ब्लॉग बनता रहेगा आप लोग देखते रहिए। फिलहाल अभी ठंडा पानी अभी पिया है हम लोगों ने और पापा जी भी पिए हैं, देखिए। और गर्मी इतनी है ना कि स्कूटी चलाने में बिल्कुल ही बन नहीं रहा, पूरा गर्म, ऐसा लग रहा है पूरा हाथ पर जल जाएगा, आग की तरह तपता है, देखिए। तो दोपहर के टाइम में अपने घर पर हम पहुँच गए और ये ढेर सारा सामान है, गेंडा वगैरह है, सब आराम करने के लिए बैग है हमारा। और पापा जी वहाँ बैठे हुए, लाइट अभी आ गया है, ये देखिए, तो पंखा चालू हुआ, अभी इसको रख देते हैं अंदर। अब इसकी पूरी प्रॉपर साफ़ सफाई करवाएंगे अभी, तो पापा जी हैं पीछे तो ब्लॉग बनाने में बन नहीं रहा है, ठीक है। उनके सामने कभी बनाया नहीं हमने ना, भले मिलियन फॉलोवर हो गए उसकी बात अलग है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी साफ़ सफाई करवाएंगे खूब अच्छे तरीके से। बाकी कैसा क्या हो रहा है आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर से जाने आने में ना थक जाते हैं तो ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। हाँ, नाम का लगा मटेरियल कम है, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा, और ऊपर उके ऊपर जो सब मिट्टी लगा है पापा, वो सब तो वो हटावे के परी सब झाड़ झाड़ के, वो जो मिट्टी मिट्टी हल्का हल्का कीड़ा वाला। हाँ हाँ, वो बात सही है। हाँ, इस साइड में भी सब है उखड़ा हुआ एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, काहे पीटोगे? किसको मोटर बोलते हैं ये बताओ तुम पहले। मोटर होती है समान लेवल वाली, हमारी इतनी होती है। तुम्हारी इतनी होती है? हमारी इतनी होती है, हमारी इतनी नहीं होगी। इतनी मोटी होती पाइप के तरीके, जब वो जाएगी तार लगेगा उसमें तब नीचे जाएगा, तार नीचे तक जाता है उसका, केबल जाएगी नीचे तक। चलो ठीक है। और इसमें केबल क्या होती है, मोटर में फिट हो जाती है। अभी दोस्तों हम लोग वाटर मिलर क्या बोलते हैं, वाटर कूलर, अरे पानी के लिए व्यवस्था, वाटर कूलर ढूंढ रहे, इतनी धूप पड़ रही ना, पानी का व्यवस्था बहुत ज़रूरी है करना दोस्तों। चलो चलो उस साइड चलिए। गिट्टी बालू वगैरह का दुकान जो होता है, सीमेंट, 5 सीमेंट और 1 ट्राली बालू अभी ऑर्डर करके आए हैं दुकानदार भाई साहब का, और भैया जी के पिताजी पीछे बैठे हुए हैं। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, ठीक है, मार्केट भी दिखा देंगे। जैसे कि ऊपर में थोड़ा सा ना दीवार उठवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैमिली रहेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ऐसा सीन है। और आज पूरा दिन इसी चीज़ में हम लोग लगे रहे, धूप भी बहुत तेज था पहले तो है, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया इधर उधर घूम घाम के, ऐसा। इसको ढकना है पूरा। हाँ हाँ, जैसे है बंद। हाँ, इसे ढकना है। अगर लोहे की परत लगाते हैं आप लोग फिर, प्लास्टिक नहीं लगाते? चादर लगेगी इसको पूरे में, लोहे की चादर ना। अच्छा, और प्लास्टिक नहीं लगाते क्या? प्लास्टिक हम नहीं लगाते, प्लास्टिक का दूसरा लगाते हैं। अच्छा अच्छा, लोहे का लगे करवा दी सर। हाँ बाबा, लोहे का लगे करवा दी सर। मतलब ये जो चद्दर लोहे के लगाई हो। हाँ हाँ, कहीं लग जाए। तो दोस्तों अभी प्लम्बर ढूंढने के लिए हम आ गए फिर से, ठीक है, गांव के साइड में। बट अभी प्लम्बर साहब आएंगे रात को क्योंकि बाथरूम में भी प्रॉब्लम है, पानी जो आ रहा है उसमें भी दिक्कत है। कुछ भैया लोग पीछे से पहचाना थे, और अभी हम दूसरे साइड में गांव में हम आ गए। एक चीज़ है कि अगर कोई काम अगर आप करोगे ना, किसी चीज़ को ढूंढने का भैया, तो मिलता ही नहीं यार, जिस चीज़ को ढूंढोगे नहीं वो मिल जाता है। कल वीडियो डाले थे। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
यहीं से हैं क्या आप लोग? हम तो यहीं वही वीडियो देखे थे, हमें लग रहा था यहाँ आए हो। अच्छा अच्छा, तभी तो दिख गए अचानक। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों दिन भर घूमते घूमते काम करवाने के लिए इतना भूख जोर से लगता है कि दुकान पर हमको चिप्स वगैरह खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देखिए शाम का टाइम हो गया पूरा, ठीक है। अभी ये प्लम्बर का जो है बात हुआ है, प्लम्बर साहब से, वो आएंगे करीबन रात में 7 या 8 बजे, ठीक है। तो बाथरूम का नल का काम होगा, ठीक है। नल में जो है पानी बहुत कम आ रहा है, जब जिस टाइम हम लोग आए थे तो पानी सही आ रहा था ना। अभी ऐसा है, फिलहाल अभी चॉकलेट खा रहे हैं, आप लोग भी आओ खा लो आप। तो दोस्तों मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। सब कुछ अकेले दौड़वा करना पड़ रहा है भैया के साथ में, ठीक है। हालत ख़राब होता जा रहा है। अब भाई जिम्मेवारी मेरे कंधों पे है तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है। ऊपर से सर्दी हो रही बहुत ख़तरनाक वाला, ठीक है, क्योंकि पानी की व्यवस्था है नहीं, पानी खरीद के पीना पड़ रहा। भैया 20 रुपये में जो वाटर कूलर दे रहे थे वो अभी तक आया नहीं है, होगा तो क्या कि भैया जी रिक्वेस्ट भेज दो यार पीने के लिए, है ना। हाँ आज जैसे मैंने आज अपना सपना पूरा कर लिया, पूरा जीवन का नया घर खरीद लिया, मिनी ब्लॉग कर लिया। आज आप लोग के आशीर्वाद से मॉर्निंग के टाइम स्टार्ट, क्योंकि भाई साहब ये घर का जो नज़ारा देख रहे हो ना, आज ही हमारे नाम पे होने वाला है। उससे पहले कचहरी चल गए, वकील साहब साइन ढूंढ रहे थे ऑनलाइन करके, ये भैया से हम घर खरीदे, साइन वगैरह करके हम लोग फाइनली आ गए कचहरी के अंदर में गवाही देने के लिए कि मैंने भाई साहब को पैसा दिया, और भाई साहब बोलेंगे कि हाँ इन्होंने दिया है। फाइनली सिग्नेचर यहाँ पे हो रहा था, और फाइनली हमारे नाम पे ये घर हो गया है। बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। यहाँ पर कैसे भी सो सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, क्योंकि ये घर मेरा है, मेरी मेहनत से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। इसी खुशी में रात के टाइम में गर्मी के मौसम में चले गए थे घूमने के लिए। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, थैंक यू इंस्टाग्राम की फैमिली, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं इस काबिल नहीं होता और नया घर नहीं खरीद पाता। तो दोस्तों अभी जो हम शूट कर रहे थे, ये है मिनी ब्लॉग का डबिंग कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ काम भी देखना है, डबिंग भी करना है, क्योंकि आज एक भी रील जो इंस्टाग्राम पे पड़ा नहीं है। अभी दोस्तों बल्ब लेने के लिए आ गए, क्योंकि घर में जो ना पूरा अंधेरा हो गया, खाना वाना मस्त हम खा लिए। अभी हम हाईवे पे खड़े हुए और ये देखिए बल्ब ले रहे हैं अभी। कितना बल्ब लेना भैया? 3 ना, 3 ले लो। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम घर पे आ गए, और पापा जी भी खाना खा लिए, होटल से लेकर के आए थे, तो अभी खाना खा कर गए हैं ऊपर लेटने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ देवी जी से भी बात करना पड़ रहा है, फ़ोन पे हैं। पर दोनों का कनेक्शन। हेलो गाइस, आप लोग कैसे आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज ये है कि हम लोगों ने घर ले लिया है और हस्बैंड जी के नाम पे हो गया है, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि कितनी जल्दी मैं घर पे जाऊँ और अपना खुद का घर देखूँ। आज के ब्लॉग के लिए प्यार समस्तीपुर से पूरा, आज जो है घर का कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है, काम होगा कल वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिला, क्योंकि एक दिन तो ऑर्डर देने में टाइम लगता है, सामान वगैरह को लेकर के, रंग पुट्टी जो भी चीज़ें घर में लगाया जाएगा। बस ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बिहार समस्तीपुर देखिए पूरा चीज़ें आदर से देखिए पूरा पूरा बगल में से जाकर फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।